हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 47 वीडियो ऑफ मैथ फॉर क्लास फोर्थ लेसन 4। इन दिस वीडियो वी सॉल्व एक्सरसाइज 1 डिवाइड। आई एम गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, 6465 डिवाइडेड बाई 5। नाउ आप इसको क्वेश्चन को लिखेंगे ऐसे, आप ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिजिट हम लेंगे, हम देख रहे हैं कि जो डिवाइजर होता है 5 है और जो डिविडेंड में है वो 6 है, यानी ये ज़्यादा इसके तुलना में, यानी 1 टाइम में ये चला जाएगा। तो 5 1 जा 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस 4 को जो है हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, 4 यहाँ पर आ गया। अब हो गया 14, तो 5 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है। तो हमें जो भी टेबल पढ़ना है वो 14 के बराबर हो या उससे कम हो टेबल में। तो 5 3 जा 15 होता है, 1 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 5 2 जा में डालेंगे। तो 5 2 जा 10, अब 4 में से 0 जाएगा, 4 हो जाएगा और ये फिनिश हो गया। अब ये हमारा जो है 6 है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यह हो गया 46। अब हमको 5 का टेबल पढ़ना है जिसमें 46 आए या 46 से कम आए, उससे ज़्यादा नहीं आए। तो हम देखते हैं कि 5 का टेबल में 46 तो आता नहीं है, 45 आता है। 5 9 जाए 5 9 जा 40। अब 6 में से 5 गया 1, 4 में से 4 गया, किस नहीं आएगा। अब यह जो चांस बचा कौन सा, एक 5 है, 5 को हमने यहाँ उतार दिया, ठीक है। अब हो गया 15, 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो 5 3 जा 15, ये क्या हो गया, 0 0, यानी रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, इसमें 0 हो गया। और हमारा क्वेश्चन हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। अब देखिए, कभी भी डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो हमको डिविडेंड मिल जाता है। कैसे, आप करके देख लीजिए एक बार, यानी 5 ये डिवाइजर है इनटू कोसेंट 1 2 9 3, अब प्लस कोश हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, 0। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 का 5 1 आया, 5 9 जा 45 और 1 46, 4 आया हमारे पास। अब आते हैं 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 हमारे पास आया, 1 5 1 जा 5 और 1 6 और प्लस 0, इसको ऐड करेंगे तो 6 4 6 5। हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है सेम टू सेम हमारा क्या है, डिविडेंड है, यानी डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। अगेन, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड के बराबर होता है। तो आपको जब करना है तो इस तरह एरो करके आपको दिखाना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है कि इसके ठीक सीध में यहाँ पर आया, तो आपको ये एरो करके इसको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व अदर क्वेश्चन बी सी। चलिए एक और मैं क्वेश्चन बी का भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 7 3 4 6 डिवाइडेड बाई 6, तो 6, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने ऐसे किया है ऊपर, अब हम थोड़ा ऐसे करके करते हैं। 7 3 4 6, तो 6 का टेबल 7 है, एक ज़्यादा है तो 1 बार में जाएगा। 6 1 जा 6, 1 आया माइनस करने पर। अब 3 यहाँ नीचे कर लिए, 13 हो जाएगा, 6 के टेबल में 12 आता है, 13 तो आता नहीं, तो 6 2 जा 12, 3 में से 2 गया 1 और 1 में कट गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, 4 14 हो गया, 6 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, 12 आएगा या 16 आएगा, तो 6 2 जा 12, तो 2 आ गया, 2 को हमने यहाँ पर लिख लिया, ये 2 यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके बाद क्या बचा है, ये 6 आ जाएगा, 26 हो गया। तो अब 26 आता है टेबल में, 24 आता है, तो 6 4 जा
24। तो ये जो आपका आया है टू, ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया, ये हमारा कोशेंट हो गया। तो आपको यही क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन आपको शेष सी डी और ई होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।